जय श्री कृष्णा। तो आज हम लोग जा रहे हैं, हम लोग ना बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हम लोग किसी दिन डेट पे जाते हैं, लेकिन हम लोग को टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज हमने डिसाइड करा कि आज हम जा रहे हैं डेट पर, लेकिन हमारी डेट होगी थोड़ी ट्रैवल डेट काइंड ऑफ। तो आज हम कहाँ पे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पहाड़ों में, वो हम अभी नहीं बताएंगे, वो हम पहुंचने के बाद बताएंगे। मतलब हम दो प्लेसेस में कंफ्यूज्ड हैं, तो हम उन दोनों में से एक जगह पे जा रहे हैं। हम मतलब रात तक वापस भी आ जाएंगे, इट्स लाइक वन डे डेट। और हम दो जगहों पे कंफ्यूज इसलिए भी क्योंकि शिवम कुछ कह रहा है और शिवम का एक और फ्रेंड भी जा रहा है हमारे साथ, तो वो कुछ और कह रहा है। तो अभी हम दोनों गाड़ी में बैठ के, हम मतलब हमारे साथ दो लोग और भी जा रहे हैं, तो हम चारों गाड़ी में बैठ के डिसाइड करेंगे कि हमारे को जाना कहाँ पर है। ये देखो हमारी गाड़ी में कौन आया है, क्या बोलते हैं आप लोग, आप लोग क्या बोलते हो इसको, ये भी बताओ। ये इसमें थोड़ा ब्लर आ रहा है, लेकिन ये देखो हमने अभी गाड़ी साइड में रोकी है जिससे हमसे बाहर निकल पाए। हम इसको बचपन में बोलते थे राम घोड़ा। अच्छा, आप लोग बताओ कि आप क्या बोलते हो, मेरे को तो पता ही नहीं क्या बोलते हैं। सच में मुझे नहीं पता था ये क्या है। गया ओ गया, चलो चले। 14 साल हो गए ना, 14 साल इंडस्ट्री में, 2009 में गाना ट्रीट कर दिया मैंने। तो गाइस अभी हम रुके हैं रस्ते में कहीं पे कुछ खाने के लिए। मैंने शिवम से पूछा है कि कौन सा एरिया है, तो शिवम कह रहा है रस्ता। मतलब ये शिवम का आंसर था। हाँ मतलब अभी हिमाचल स्टार्ट हुआ है, तो अब हम कुछ खाने के लिए रुके हैं क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा हुआ, हम सिर्फ बनाना शेक पी के निकले हुए थे, तो हम पहले कुछ खाएंगे। पिंपल इसमें दिख रहा है, इसको ना पता चल जाता है कैमरा ऑन हो गया तो ना ये स्टाइल मारने लग जाती है। नहीं मैंने सच्ची बताऊं, मैं ये सोच रही थी कि जीरा रोटी नहीं, मम्मी कसम मुझे नहीं, खैर मांग मम्मी कसम करो यार डिसाइड जल्दी। तो गाइस हम यहाँ पे रुके हुए अभी निक्की रसोई ढाबा, रसीला राजमा भी है, रसीला राजमा, रसीला राजमा। मैंने तो कल ही खाया, मैंने नहीं खाया। गाइस हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, ये है अमृतसरी कुलचे, ये है अमृतसरी कुलचे, वो है छोले चावल, और ये क्या है, ओह ये मेरा पराठा। यस लेकिन दूसरों के कुलचे बना कर रखते बैठ गए देर से, तो कोई बात नहीं ना, मैं कौन सा खा रही हूँ, अरे जाओ यार। ये मेरा पराठा है, मैं यही खाऊंगी और एक दो बाइट इन सब में से खा लूंगी बस। गाइस हम पहुंच चुके हैं कसौली अभी, और ये रहे, और ये रहा मेरा पूरा आउटफिट, और देखो मैंने टोपी भी पहनी है जो कि धूप नहीं है, लेकिन मैंने टोपी चश्मा सब पहना है ऐंठ के लिए। और ये रहा शिवम, शिवम के बाल तो सेट नहीं हुए, बाल बड़े बहुत हो गए हैं, सेट नहीं हो पा रहे अब। गाइस मैं हेयर कट से थोड़ा सा कतराता हूँ, और इस चक्कर में मैंने हेयर कट कराया नहीं, बट अब मैं कराऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा बड़े हो गए। आप बताओ मुझ पे छोटे बाल अच्छे लगते हैं या बड़े? अगर आप कमेंट में ज्यादा लोग लिखोगे कि बड़े बाल अच्छे लगते हैं तो मैं कटिंग ही नहीं करवाऊंगा, अगर आप लोग कहोगे छोटे बाल तो मैं कटिंग करवाऊंगा। मीडियम अच्छा लगता है, मीडियम लिख देना, उनसे पूछा है, जनता जवाब देगी। ओके जनता दे देगी। देखो गाइस यहाँ पे बादल आ गए हैं, वो देखो वहाँ पे कवर कर रहा ना पेड़ को, ये बादल नीचे उतर रहे हैं, और यहाँ पे ये चर्च है। अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं? अभी हम चर्च में जा रहे हैं, नहीं नहीं अभी हम मार्केट जाएंगे। तो गाइज हम आए हैं कसौली, पहले हम बोगरा बोरगा करके एक जगह है, वो भी चंडीगढ़ से 1.5-2 घंटे ही दूर है, पहले हम वहाँ जाने का सोच रहे थे, लेकिन फिर हमने सोचा कसौली आ जाते क्योंकि कसौली शिवम एक बार आया हुआ है तो उसे थोड़ा बहुत रूट पता है, बोरगा बोगरा जो भी था वो सबके लिए न्यू हो जाता, तो फिर हमारे को वहाँ पे ज़्यादा वो हो जाती, ढूंढनी पड़ती लोकेशन घूमने के लिए। दिख रही हो ना, आगे जाके देख रही है कि मैं दिख रही हूँ नहीं, क्योंकि मैं बैक कैमरे से शूट कर रही हूँ। और ये रही है मैडम, और हमारे लड़के पीछे ही रह गए हैं, वो थोड़े ढीले हैं, तो हम दोनों आगे आ गए, वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम इधर जाएं उधर जाएं, हमने बोला हम तो जा रहे हैं सीधा, हम निकल आए आगे। कैसा लग रहा है मेरी टोपी में, अजीब सा, सुंदर सुंदर नहीं लग रहा, एलियन टाइप सा लग रहा है ये, तो गायत्री के घर में क्यों जा रहा है। तो गाइस ये हम लोगों को गलत जगह पे लेकर आ गए हैं, हम गलत रास्ते पे आ गए थे, ये वो रास्ता था ही नहीं जहाँ पे हमें जाना था, लेकिन हमने एक जगह पर रुक कर बहुत सारी फोटोज और वीडियोस वगैरह क्लिक करवा ली हैं, तो वो आप हमारे इंस्टाग्राम पे चेक कर ही लोगे, हमें पता ही है वो। तो यहाँ पर बारिश की फुहार, रिमझिम बरसात हो रही है, और हम लोग बहुत ज्यादा भीग रहे हैं, भीग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे बैठ गए हैं 2 मिनट पेड़ के नीचे,
क्योंकि बारिश अब बहुत तेज हो गई है और हमने अम्ब्रेला नहीं लिया है। अब हम लौटते हुए पहले अम्ब्रेला ही खरीदेंगे। तो इस पहाड़ों की सबसे खूबसूरत बात यही है कि पहाड़ों में जब भी आते हो यहाँ पर ना कभी भी बारिश पड़ जाती है, कभी भी धूप आ जाती है, कभी भी स्नोफॉल हो जाती है और कभी भी स्नोफॉल तो नहीं होती है यार। डायलॉग लेट मी स्पीक। यहाँ पर हरियाली बहुत है, बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, तो मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आप सबके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। और अगर किसी ने इस ब्लॉग को नहीं शेयर करा तो इतने चौंटे मारूंगा, इतने चौंटे मारूंगा। हाँ जी, मैं शिवम ग्रोवर हूँ, लेकिन मैं फोटो नहीं लूंगा आपके साथ। आपके बीच में बोलना नहीं होता क्योंकि बीच में कट आ जाता है, जैसे बंदा चुप हो तो दूसरे बंदे को बोलना होता है, वो भाई चुप नहीं करेगा। देखो कितना अच्छा मौसम हो गया है, सारे बादल नीचे आ गए, देखो कितना सुंदर लग रहा है। अभी हम पार्किंग में आए थे थोड़े बिस्किट वगैरह ले जाने के लिए और अब हम वापस जा रहे हैं। मेरी स्टॉपी ने मेरा इतना साथ दिया है ना, इतनी तेज बारिश हो गई थी बीच में, इसने मेरे बाल ना बहुत ज्यादा भीगने से बचा लिए। हाय ब्रो। हेलो। हाय। ये तो खुजा रहा है, ये तो हाय का बैक, ये हाय बैक नहीं कर रहा, ओ हाय कर रहा इसने। हाय। देखो हमने कितने सुंदर सुंदर छाते लिए है। सेम चीयर्स। वन टू थ्री। हमने इतने क्यूट क्यूट से अम्ब्रेला लिए। देखो गाइज यहाँ पे निकल चुकी है धूप, वो भी बहुत अच्छी वाली। और यहाँ का मौसम ऐसे बदल रहा है जैसे शिवम अपने रंग बदलता है, पल में बारिश पल में धूप। गाइज हम इतना थक गए हैं चल चल के और नव हमें चलवाई जा रही है, वो कह रही है आगे एक बहुत अच्छी लोकेशन है, बिल्कुल ऐसी कैसी हेवन वाली लोकेशन कह रही है वो। और गाइज अगर वो लोकेशन मेरे को पसंद नहीं आई तो आज मैं इसके पर्स में से पैसे चोरी कर लूंगा। खाली हो गए, पक्का खाली हो गए, तभी अरे ले लो। लिपस्टिक चोरी करके बेच दूंगा। कितने रुपए की बिकेगी? यूज लिपस्टिक कोई खरीदेगा भी नहीं शिवम, खरीद लेंगे। इसका सेंस वाली बात तो करो ना। इसके आशिकों को बेचूंगा, इसके आशिक देंगे, बोलियां लगवाऊंगा इसके आशिकों को, इसके होठों को टच हुई भी लिपस्टिक कहूंगा ये है लिपस्टिक जो इस लड़की ने यूज करी है, और इस लड़की ने जो लिपस्टिक यूज करी है उसकी बोली लगाओ, फिर बोली लगेगी 1.5 रुपए, 2 रुपए, 2.5 रुपए और 3-3.5 रुपए में माय नमूना पति। एकदम से एनर्जी आ जाती है इसका कैमरा खुलते ही है, अभी तक तो कैसे ढीला ढीला चल रहा था। ओ ये क्या कर रहे हो? ये कपड़े मैंने ही धोने हैं। आई हाय पॉटी पड़ी है क्या? ये क्या है? नहीं पॉटी नहीं है गाइस। शिवम तेरे ओवर एक्टिंग के 50 रुपए हम काट लेंगे, जो तूने ओवर एक्टिंग वाले पोजेस दिए ना। 50 भी नहीं देने की जरूरत है, रियल एक्टिंग ना करूँ ना। तेरे को 100 रुपए मिलने थे, उसमें से हम 50 रुपए काट लेंगे। 50 रुपए ले। ये रियल एक्टिंग ना करूँ तो लोगों को मजा भी ना आए। सच सच बताओ मजा आता है ना इन हरकतों पे? यस मुझे तो आता है। ये आ गई है वो लोकेशन जिसकी बात इतनी देर से नव कर रही है। आगे की साइड है। तो गाइस ये है नव, इसको ठंडी लगती रहती है हर वीडियो में, आप इसकी वीडियो देखना ऐसे बाजू रगड़ती रहती है। तो गाइस ये है मेरी दोस्त नव कौर गिल, नवजोत कौर गिल, इसको अनफॉलो कर दो, सारे ब्लॉक कर दो इसके अकाउंट को और रिपोर्ट कर दो। गाइस उस वाली लोकेशन के बाद अब नव हमें लेके जा रही है दूसरी लोकेशन पे, कह रही है ये उससे भी ज्यादा सिरा लोकेशन है। वो रही हमारी पहली थी। अब हम दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं। हमने बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट भी क्रिएट करा है जो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख ही लोगे। मुझे तो सांस ही चढ़े जा रही है, इतनी चढ़ाई है ना यार यहाँ पे, इतनी चढ़ाई है, पैरों में दर्द हो गया। आज जिम की छुट्टी तो हो गई लेकिन आज का सारा कार्डियो यहीं पे ही हो गया। यहाँ पे हम अंकल से चने बनवा रहे हैं खाने के लिए, हमें बहुत भूख लग रही थी और अभी हमें बहुत आगे तक जाना है तो हमने रुक के पहले अब चने खाने का फैसला किया है। तो ये इन्होंने 50-50 रुपए खर्च के 2 छोले की प्लेट ली है इन्होंने। हाँ चने की प्लेट कैसे? अब तो अच्छा ही है 50 के ना। अब ये वैसे हम ऊपर शेड में जाके खाने वाले थे लेकिन ये यहीं पे शुरू हो गए। और ये इसके जस्ट इसके सामने की मैं लोकेशन आपको दिखाता हूँ, अच्छी हाइट पे हम अभी थोड़ा सा और आगे तक जा रहे हैं। ओ माई गॉड गाइज ये देखो कितनी सुंदर लोकेशन है, सही कह रही थी भाई, बहुत सुंदर है लोकेशन, बहुत सुंदर।
ये देखो कितना सुंदर लग रहा है हमसे। ये देखो आगे आई हूँ मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए, इतना सुंदर लोकेशन है ये। ये देखो और नव कह रही है वहां पर जाने के लिए, लेकिन ये इंसान मना कर रहा है, इसको डर लग रहा है। डरपोक है यार, बहुत बड़ा, सच में बहुत डरपोक है। शुभम आप ऐसी जगहों पे नहीं जाना, ऐसी जगहों पर देख तो ये यहीं से इतना सुंदर लग रहा है, आगे जाके और ज्यादा सुंदर लगेगा। गाइस शिवम नहीं जा रहा तो मैं उसके साथ रुकी हुई हूँ, और ये हमें अकेली छोड़ के जा रही है उधर वाली लोकेशन पे, वहाँ पे लोग दिख रहे हैं आपको? रुको मैं जूम करती हूँ, आप दिखे होंगे, वहाँ पे जा रही है ये हमें छोड़ के। इस इंसान की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस इंसान की वजह से मैं भी नहीं गई हूँ। क्या करना है, इजी है जाना तो, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ के कुछ रूल्स हैं। अभी लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, अजीब सी पहाड़ी चढ़वा दी थी इन्होंने मेरे को। मैंने उस दिन डिसाइड किया था मैं ऐसे उल्टी सीधी पहाड़ियों पे चढ़ूंगा नहीं, उतरूंगा नहीं। अच्छा, बस मैं उस रूल पे कायम हूँ। हर बंदे की लाइफ के रूल्स होते हैं। ओके ब्रो, यार हल्का पैर पूर मुर्जा खाम का बंदा हफ्ता 10 दिन बेड पे पड़ा रहा है, फिर टांग पकड़ के बैठा रहा है 2 मिनट की मस्ती के लिए, चोट लग जाए। ठीक है, दूर से देख के मस्ती लो, दूसरे एंजॉय कर रहे हैं उनको देख के खुश हो। ओके तो गाइस अभी नव ऊपर आई है और शिवम ने देखा कि नीचे की लोकेशन कैसी थी, और अब हम भी नीचे जा रहे हैं क्योंकि उस वीडियो दिखा के ना उसने शिवम का मूड चेंज कर दिया। नीचे की लोकेशन बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अब हम नीचे जा रहे हैं, मैं आपको ट्रैक भी दिखाती हूँ यहाँ का। चलो चलो चलो, ये है हमारा रास्ता नीचे जाने का, और नीचे जाके आपको एक ढासू लोकेशन दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है? अयो ओके गाइस, सो अब कैमरा आ चुका है मेरे पास, और अब आगे आप सबका दिल बहुत ज्यादा लगने वाला है क्योंकि मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसे मैं इन पथरीले रास्तों पे बिल्कुल एक बंदर के जैसे गया। और ध्यान से, यहाँ पर बहुत ज्यादा कीचड़ा, मैं फिसला हूँ बहुत ज्यादा इस जगह पर। जैसे ही मैंने बंदर बोला खुद को, वैसे ही मेरा पैर फिसल गया गाइस। और ये देखो डायरेक्ट डाउन है, इधर से भी डायरेक्ट डाउन है, मतलब यहाँ पे देखो कितना सुंदर हो रहे बादल वगैरह। ये बादल सारे के सारे आ गए हैं, और आगे की मेन लोकेशन है जो आपको दिखाएंगे। ये तो एक जस्ट एक टीजर है, एक ट्रेलर है गाइस। हर बंदा जो तांशी व्लॉग से जुड़ा हुआ, एक एक बंदे ने वीडियो लाइक करनी है, देख के छोड़ देते हो, मस्ती मस्ती हो, अपना एंजॉयमेंट कर लिया, चाय चुए पी ली, खाना खुना खा लिया, व्लॉग देख ली, लाइक कौन करेगा? लाइक तो करते ही नहीं आप। इधर आ, इधर आ, ओए ध्यान से ताने, ज्यादा मत उड़। उड़ क्या, बहुत उड़, ज्यादा पंछी ना बन, पंछी ना बन, पंछी बन उड़ते फिर। और ये है बेंच, और ये है लोकेशन जो आपको दिखानी थी गाइस। ओ यस, क्या मस्त लोकेशन है। अब यहाँ पर मैं अपनी एक छोटी सी रील बनवाऊंगा इंस्टाग्राम के लिए, और हम वापस जाएंगे फिर घर। कोई कप नहीं है यहाँ पे, देखो अगर कोई पड़ा है। ये पेड़ है गाइस, इस पेड़ के नीचे बहुत अच्छा शूट हो सकता है, भूतिया पेड़ है, किसी ने भूतिया मूवी शूट करनी हो तो। ये दोनों, चलो 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 भाई, चलो भाई भाई चलो, तनु ध्यान से जाना, तनु प्लीज यहाँ यहाँ से जाना, तनु साथ इधर नहीं जाना, ठीक है ना? हाँ भैया ठीक है, भैया आप ही कहे, इतने ड्रामे आप, मतलब भैया आप ही कहे, मतलब कैसे कर लेते मतलब। और अब हम वापस जा रहे हैं, आवाज सुनाई दे रही होगी आपको कीड़ों की, मुझे आवाज बहुत अच्छी लगती है। तुम भी वही हो ना, इसलिए जान लेता है लड़का भाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पत्थर हैं। पता नहीं गाइस, अभी हम रुके हैं इस कैफे में, अभी हम अंदर जाके बैठेंगे हम। तो मैं वेटर थोड़ी हूँ, मुझे क्या ऑर्डर लिखवा रही हो? जाके ऑर्डर करके आ जाओ, मेरा कोल्ड कॉफी है। मैगी कौन सी, वेज वाली की नॉर्मल? शिवम आप वेज प्लेन बुक कर। और यहाँ पर मैगी खाते हुए हम आप सब चलेंगे इजाज़त। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग तांशी व्लॉग्स। क्योंकि हम बहुत थक गए हैं इसलिए हम ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। हमारी मैगी भी आ गई है अब, तो अब हम मैगी खा रहे हैं और ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये हम ख़त्म कर रहे हैं शिवम के घूट के साथ। बाय बाय।